आए रे मेरे पति का बलिदान, आए रे मेरे पति का बलिदान, आए रे मेरे पति पति का बलिदान, आए रे मेरे 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 पति का बलिदान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा यार बैठे तू मैं सारी धर्मशाला मटो आया यार के आई सा जड्डा जड्डा तो ठीक बाबा आ तो चाला पट गया इसी चीज देखाया तना भेदभाव कोनी के देखाया बता तो दादा एक बीच बचाले की उम्र की छोरी है पागल जी सा बेस कर रही है अनुकर ध्यान रहे हारे मेरे पति का बलिदान, हारे मेरे पति का बलिदान। एक बात और है आख्या दान दी है बताइयो के संग है। संदीप तू तो बात का सिर्फ पुंज पकड़े आंडा है ओढ़ का कोनी बेरा मैं बताऊंगा के पूछे तू उस अंधी छोरी की कहानी। वह अंधी बचपन तय थी और उसका बाप ने उसकी घनी चिंता रहा कर दी अब इस केल ब्याह कौन करेगा। बाबू नु कथा पालक लाई है बड़ी बड़ी होगी आज गड्डी में गिर लेंगे। रीना है हड़े हाँ? कह दी बैठगी बेटा बाबू भीतर जी ना लगता तो फिर मजा हमारे आड़ा आ गई। बाबू देखिए पालक आज गड्डी में गिरेंगे गड्डी स्वाद लगेगी। देख सॉरी देख भी ना सकती और फिर भी कितना खुश रहने की कोशिश कर रहा है बेटा तेरी चिंता है मन्ने अपना ध्यान रखे अगर। बाबू किसी बात कर रहा है जिसने भगवान के रूप में पिता मिल रहे हो उसने किसी चिंता अब बस तेरा तो आशीर्वाद है बहुत है बाबू आलाता देता मैं आप लड़ जाऊंगी। मेरी बेटी श्याणी होगी देख कितनी बड़ी बड़ी बात करने ला रही चल खड़ी हो मेरी लाडो आज। मात पिता का जिंदगी भर भी उतरे कर्ज नहीं। राम राम जी। राम राम बेटा। मैं थार देख वादा करके गया था याद है कुछ। बेटा मेरा थार वादा याद है तेरे से नहीं एक बाप ने चिंता हो जाए जब उसकी छोरी सिवासन हो जाए इस गल कौन ब्याह करेगा क्योंकि यह घर परिवार ने संभाल ना सकती आंधी है बेचारी। अंकल जी जब मैं थारे का मनोकरी कराया करता उस टाइम मन्ना आप वादा कराया था अकरीना की शादी मैं करवाऊंगा मेरी बदली तो ही है वादा थोड़ी न बोलिया हूँ। बेटा वादा तो दुनिया करके जा है कह है अरे चले जा है कहन कहन के सभी यार से तजी किसे तना जाती मेरे भीतर में जो तूफान उठ रहे हैं ना वो मन नहीं बेरा से। तूफान ने तो डांट लो अंकल अरिना ने भीतर ने भेज दो जो वादा कर रखा है ना आज उसका पक्का इलाज करके जाऊंगा। जा बेटी भीतर जा। बाबू चाय बना ले। हाँ बना ले। ये पढ़ तो नहीं जाएंगे पैडी। ना बेटा आईडिया तो सारे काम कर लिया इसने सारा घर अपनी ढंगा तो नाप रखा है। बैठ ये बता बेटा के कहना चाहो। मैंने रीना खातर छोरा देख लिया और नाम से उसका पवन। अरे तू बात भी कराया अरे तेरी बात तेन लग गया है जन तू रिश्ता पक्का कराया हो वो क्यों करेगा मेरी छोरी गल ब्याह। अंकल पीसा रुपया हर एक आदमी की नैट तोड़े है उसे नुया ना भरी रुपया में बात वही है। रुपये तो मैं दे दूंगा बेटा पर आदमी की सा है कदे मेरी छोरी ने सारी उम्र का दुख हो जाए। जिस छोरे का मैं जिक्रा करूँ हूँ मैं खुद उसकी बहन से प्यार करूँ हूँ अच्छी तरह देखा वाला है मेरा रवाए बात है लोभ तो किमें किमें देना पड़ा है घना शरीफ बालक है इस चीज़ की तो कति भी टेंशन ना लियो। बेटा मैं तेरा क्यों शुक्रिया अदा करूँ रहा मेरा भीतरला नू बर बर का उसे मेरी छोरी का रिश्ता होगा उसका ब्याह होगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अंकल जी बात आपकी भी ठीक है क्योंकि एक नेत्रहीन लड़की के पिता हो आप लेकिन घने इमोशनल होने के चक्कर में मेरी बात ना भूल जियो 2 लाख मांगी उसने। अरे रुपये तो मैं 2 के 3 लाख दे दूंगा पर तू बात पक्की कर ले यो सह किसका सब कुछ रीना का इस है। ठीक है अंकल जी करूँ तो हूँ मजाक बुरा ना मानियो बाकी यो सांप थरगल में तो काट दिया मैंने। बेटा सांप को ना बेटी है मेरी। मैं कहूँ था अंकल जी मजाक करूँ चालू हूँ मैं लेट होने लग रहा हूँ चाने नाटे जाइयो है। ठीक है बेटा।
हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया। नुमा जी तुम्हारा ये इतने मैटर क्या, मैं तने शेर समझ रही थी और तेरा तो कती मिंड की सा काल जा लकड़ा। एकदम अगनू बोलेगी तो आदमी डरेगा, बाकी काजत मेरे शेर का है। इन बातों ना तो छोड़, मनु कौन थी, हमने मिलते बहुत घने दिन हो गए, अरे बाग कुछ और सोच लेना चाहिए। इज्जत मारा भी है और ऊँ भी गम सब न बेरा है कि पवन और सोनिया बात करें हैं, मिलने हैं, कट्ठे रहवा हैं, अरे इस बात ने भी घने दिन हो गए हैं। मनु चाहूँ हूँ जाके एक बार मेरी माँ तय ब्याह की बात कर लेते। सोनिया सोचू तो मैं बिनू था, फिर तेरे मेरे मुँह की बात छीन ली, कर लेंगे बात को सुतरा टाइम देख के। मेरे लाडू टाइम अपने आप तनाव है काटना पड़ेगा, सारे काम पछ है, आज ब्याह की बात करेंगे। चल फिर तेरी माँ का सुभाव किसा है? मेरी माँ का सुभाव भी मेरे जी सा मीठा है, तू टेंशन ना ले। जमा जी तुम्हारा ही भी चल। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। माँ माँ हाँ बेटी माँ, यो पवन है। बेटा मने न्यू तो बता दे, मेरी बेटी ती तेना के गोल का प्यार रख्या है। सॉरी अण तेरा जकरा करे जास, मन तो कही थी बेटी एक दिन घरा लिया उसने, मैं भी देख लूँगी। ना माँ जी इसी कोई बात को नहीं, बस घर आ तो नुए डरू था, आपका करा किसा सुभाव हो, फिर आप तो मिलके मेरा पट्टा, आप तो बहुत अच्छे हो। बेटा अच्छे तो बालका खातर होना पड़े स, जो मेरी बेटी की पसंद है और इसने सारी बात मेरे तक बता दी तो अच्छी ताप बनेगी। बेटा बैठ जाओ। मैं तेन सोचू था हिमालय सोनिया तरह का जिक्र है कौन कराया होगा, फिर ये तो बहुत अच्छे हिमालय घर बता दी, कोई भी बात ना कोई कम रख दिया, हफ्ते शेयर करा है। ना बेटा मेरी बेटी इसी को ना सारी बात बताओ मन। हाँ बेटा कौन है यो? बेटा मन तेरा गजकर को नहीं कराया, अरे सोनिया इस तरह प्यार करा है, मन तो देख लिया पसंद है, तू और बात करके देख ले। माँ जब तन्ने पसंद आ गया और मन ने मेरी बाण पर विश्वास है या गलत फैसला कोई ले को नहीं, और एक बात होता जो आज तक तने घर में कर दिया उस तो बार के कदे गया हूँ माँ मैं। बेटा यो तो मन तेरे पर पूरा भरोसा है और तेरा बाप मरे पास है, घर तन्ने ही संभाला है और तेरी बाण की भी गौर तन्ने करी है। अरे बता है ना तावड़े से इसके हाथ पीड़े कर दे, मैं भी न्याल हो जाएंगी। मैं भी नहीं चाहूँ हूँ, छोरा भी ठीक से, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं माँ। हाँ बेटा चल बैठा, चाह पानी बनाऊ हूँ मैं। बैठ जाओ जी, आ जाओ बैठ जाए बेटा। चल मैं चाह बना ली हूँ। बाबा उफराटा ने उसका बाबू के लिए वादा करा था कि पवन का ब्याह मरीना का गिल्ली कराऊंगा, अरे पवन है और कितने सेट घाट कर रहा था, फिर क्या होया? अरे होना के था संदीप, उसका नाम तो कौन लागदा फराटा, अक वो कितना तेज पाओगा, या खाली उसकी चाल थी, अक मैं थारी मदद करूंगा। अरे बागा सुन क्या होया? नू खुले में मिलना अच्छी बात को नहीं है, ठीक है कोई देख लेगा नहीं, बात बन दी हंडेगी कामा में। डर किस बात का, प्यार करया है, चोरी थोड़ी ना करी है। डर किसी का को नहीं होता, ठीक है आंखा की शर्म होया करे, और तमें पता खेतों में बड़े बूढ़े लागे रह करे, किसी ताऊ चाचे ने देख लिया नहीं अच्छी बेइज्जती होती अंडेगी। अर तो तू के यूज एंड थ्रो वाला गिलास है, जो किसी ने देख लिया और छोड़ दूंगा, शादी करनी है देखने तक भरा कि मैं फायदा और हो जा, अपना ब्याह जल्दी हो जाएगा। तेरा तो जमा शर्म को नहीं, मेरे बाप ने मेरे ते पढ़ाई तो को नहीं लेकिन संस्कार तो पूरे दिए हैं, और दूसरी बात अगर तने इतनी वो है नहीं तो मेरे बाबू तो बात कर ले ब्याह की सीधा जाकर, ठीक है? थारा गांव की डिग्गी में लग गए ना मैंने कितने महीने हो गए, आड़े रहूं हूं, आज तक कदे शिकायत का मौका मिला है? पूरा गांव में इज्जत है, राम राम करके लिखड़े हैं, इतनी चिंता ना करया कर, अगर थे भी गए ना तो कोई किम्मे ना गवे। हे भगवान इस तो समझाना ही बेकार है, मेरे बाबू ने मेरे तो नहीं पढ़ाई है लेकिन अनपढ़ वाली बात तो करे है बैठ के। यार इस मन पर डाली बात की कर दी, वो देख बाबू आ गया खड़ा हो ले। ए छोरी
रुक मुरा। आए क्यों मेरी इज्जत का बट्टा लाने लग रही है तूने? जमाए शर्म को नहीं आई? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोची तूने? बाबू जैसी तुम बात सोचो नहीं ऐसी बिल्कुल भी कोनी है। हाँ बेटी मैंने तेरे ती पढ़ा लिखा को नहीं इसका मतलब मेरी इज्जत नू छाड़ेगी? बाबू ऐसी कोई बात को नहीं है। वो तुम टेंशन लोते ना पवन की पढ़ाई की, यू कह रहा था कि मैं खर्चा दे दूंगा और बहुत अच्छा है यूं आदत का, जैसा तुम सोच रहे वैसा बिल्कुल भी कोनी। तो यो मदद क्यों करेगा बेटी अपनी? अपना रिश्तेदार है यो, लोग कोई अपने की भी कौन करता आज के दिन, और यो तो गैर से। ना अंकल जी मैं गैर क्यों नहीं, थारा अपना ही हूँ। मैं रजनी तो प्यार करूँ, अगर आपकी इजाज़त और आपका आशीर्वाद हो तो मैं इससे शादी भी करना चाहूँ। बेटा बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूँ, मैंने गाँव वाले थोड़ी थोड़ी सुनी थी कि तू गलत से, फिर आज तेरे विचार सुने बहुत नेक हैं और तू तो बहुत अच्छा बालक सा है। तेरा फैसला तय मैं सहमत हूँ, यो रिश्ता मैंने मंजूर है। चलो बाबू ठीक है अंकल जी, ये बात तो नहीं चलती रहूँगी। और नू क्या करें, जोड़ी तो ऊपर ला बनाओ है, जिसके कर्म में जो लिखा हुआ है वो उसने मिले जाए, वरना रजनी मिलेगी। और वो रजनी नू कहती आप दो तीन जगह जाए रुपयाली एडजस्ट को नहीं हुई तो मैं ले आया था घर तलो। रहने देना बेटा, क्यों मन शर्मिंदा करो हो? शर्मिंदा मन बलवानती कर रखी है पीछे की। एक बात बताओ किसे गैर पे भी तो लोगे, मैं तो आपका अपना हूँ, दे दियो हो जद। बेटा मन ना कोनी कोई बात कोनी, आपका आशीर्वाद है तो दे हूँ, अगर नहीं होता कितने देता। पवन है सुत्ते है ना? जाग मुझे तो चाहे बैठ जाओ। के कहो थे? काम था भाई तेरे तरह। चाचा थम नू ना बोलिया करो, थम बड़े हो मेरे तक, ऑर्डर दिया करो। अरे भाई किसे ऑर्डर देने हैं, नू है घर न सुहासन बालक बैठा हो, माँ बाप ने चिंता हो गया है, रजनी के बारे में थोड़ी बात करनी है। चाचा सच्चाई कड़वी हो है, तेरी सगी बेटी तो रजनी ही है, मैं तो आपका भाई का लड़का हूँ और उसके बारे में मेरे पूछो, मेरा दाव और बढ़ा दिया, मन कितने कैसा नतरा दाबोगे? इतनी पूछ तो है ना सगे माँ बाप भी कौन कर दे जितनी थाम करो हो। अरे पवन तन्ने भी तो मेरे ती बाप तो बड़ा उद्दा दे रखा है, और रजनी खतर छोरा देखने जाना है। छोरा कित? घना चिंता में ना पड़े, मन तो देख लिया, एक बार तू भी निगाह मक काट ले, क्यों तू बार भीतर रहे है तना आजकल का जमाने का ज्ञान से। चाचा थम भी अजय मजाक करो हो, नु कित जाऊँ नु कित देख के आऊँगा, कौन सा काम हता पता तो बताओ। भाई बाहर जाने की जरूरत कोनी, अपने गांव की डिग्गी में लाग रहा है और उसका नाम फराटा है। बाबू आगे की बात तो बता दो। वह तो बता दे बेबे। भाई इस टाइम डिग्गी में कोनी पावा वो, गौशाला में पावा, गैया की सेवा कर देवा। चाचा यो के चक्कर है, रजनी भी जाना है थम भी जानो हो, मन तो लग रिश्ता पक्का कर रहा क्या थमने, फिर क्यों फॉर्मेलिटीज पूरी करवाओ मेरी। ना भाई ऐसी कोई बात को नहीं, मेरे पर फोन आया था उनका मिलने ना कहते आप, तो एक बार मिल ही हो जाएगा। ठीक से मिलाऊंगा चाचा है। हाँ दो निगाह मकाड है ये भाई काट दूंगा, ले मेरे पानी गाल दे ना लूंगा मैं। है ठीक से हाँ गाल दे। ओ गौ माता की सेवा करियो, थम भारत के नर नारी, चारों वेद बढ़ाई करते। भाई हाँ भाई फराटा तो मिलना था क्या? फिर सीधा साथी के लागे गा के मैं हूँ फराटा। मरजनी का भाई पवन के काम था मेरे तय। अच्छा वो मन नहीं गई थी रजनी तय, दो बात करनी थी तेरे तय, अगर मेरी मानने तो। मानन क्यों, जरूर मानूंगा, बताओ। देख मन ने थोड़ा अपना अपने करके ने किते और तेरा रिश्ता भी पक्का करवा दिया। मेरा रिश्ता आसन ना मजाक को नहीं करता मैं। आसन की बात तो सही,
मेरा रिश्ता तब पक्का कराओ है और मैं और कितने ब्याह करूँ हूँ। मतलब? मतलब तो साफ से जिससे मैं प्यार करूँ ना उससे तो ब्याह करूँगा। देख पवन भाई, इसने से मेरी कंडीशन समझ और से मेरी रिक्वेस्ट समझ, बस तू मेरे गले एक बार चाल पड़े उड़ देख के नाट जाइए। चल भाई ना मानदा तो राम 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 फ्रेटे। हाँ कौन है? यो पवन, मैं बताऊं था ना। अच्छा अच्छा आओ बैठो जी। छोरा बड़ा नेक है यो। नस्की पानी मारे गड़का फ्रेटे। रीना के बारे में सारी बात बता दी थी इससे। अंकल बताने की क्या जरूरत है, दिखाई देंगे। बताना की है दिखाई देंगे के कहना चाहो बात की है। फिट जा ठाउस रख लिया करके दे तो। रीना रीना बेटा कोई खास बात है? तू बालक पढ़ते ही साखी बेटा कौन सा? फराटा के है वो मेरे तो यही छोरी दिखाना आके। हाँ पवन यही है। एक बात सफराटा, तू पद गणा रहा है तो दिमाग को नहीं, मेरी क्यों जिंदगी खराब करा भाई तू? पवन एक बात सोच दिल ते, अगर इस तरह है तेरी मान होंगी तो तू कौन चाहता? इसका भी गर्भस है या भी खुश रहे इसका भी धनी हो तो मन्ने बलि का बकरा क्यों बना हुआ है? मैं कौन करूँ भाई? पवन तू क्यों करने लग रहा है ऐसा? मैंने तेरे मुखी में दिखा था तेरे पर भरोसा था, जद देखे ही होगी। अरे तो भरोसे की बात मान ली और ब्याह करने की मैं इससे सोच भी लेंदा, फिर आनी सती मैं क्यों करूँगा भाई शादी? मैंने की गलती कर रखी है? फराटे मैंने तेरे तक कही थी ना वादा करनी है बहुत से उन्हें न बांधते को ना, इसने क्यों लिया भाई मारे घर ने मारी बेइज्जती करवाने खातर? न्यू जोर जोर तो बोलने लग रहा, मेरे सारे पड़ोसी सुने हैं। अरे भगवान ने जो करनी थी इस गल कर दी, मारी बेइज्जती भी क्यों करने लग रहा है? ना अंकल जी आप गलत सोचो, मेरा मकसद यो कौन था। कोई बात को नहीं, वो मान जाएगा। मैं क्यों मान जाऊंगा, धक्का दबला मान जाएगा, कमाल की बात से। देख पवन चाहे तू इसने मेरी कंडीशन समझ ले और सही मजबूरी, मैंने तेरे तोड़े भी गई थी या आंधी है तो इसका कसूर थोड़ी ना है, इसका दिल को नहीं के। अरे इसका होगा दिल, मैं तो मानू इस बात ने, फिर मैं पत्थर दिल हूँ भाई, मैं अपने पाप कुआड़ी क्यों मारूंगा रे? हाँ चल मान ली तू तेरे पाप कुआड़ी को नहीं मारे, पर तेरी बाण खातर तो मारा गाने। अरे तू मेरी बाण ने बीच में क्यों लिया है? तने इस हम दर्दी है ना, तू इस कर ले ब्या तू? या मैंने धर्म की बाण बना रखी है कुकर कर लूँ, भगवान का आगे इसके सर पाटे क्या था, पहले इसका ब्याह करवाऊंगा उसके बाद मैं मेरे ब्याह की सोचूंगा। तो तेरे ब्याह की टाल है, आज तो अपना रिश्ता खत्म, मैं और देख लूँगा छोरा, फिर मेरी जिंदगी खराब को नहीं करूँ मैं ठीक से। और वो तो मेरे बाप ने कही थी, अगर एक बार जाके देख तो ले किसा है छोरा। बाबू तो मेरी जिंदगी का मजाक बना रखा है तने, तेरे पर बोझ होगी के मैं बाबू देख किसी भी से बात करने लग रहे हैं। मेरी लड्डो इसी कोई बात कौन है, मैं तो तेरे भले की चाहूँ था पर मन्ने के बेरा था, इंसान इतने भी घटिया हो हैं। बैठ जा रीना बैठ जाओ। पराठे बहुत बेइज्जती हो ली है। अंकल जी थम चिंता ना करो, रीना का ब्याह भी होगा और पवन के गैल ही होगा, यो मेरा वादा है। जब वे खुद ही नाटन लाग रहे अक मैं इसकी गेला ब्याह को नहीं करूं। बाबू तू बता मैं कोई गांव भैंस थोड़ी हूँ, अक दक्कत है किसे के भी खुट्टे का बांध दोगे मने? ना रीना इसी बात को नहीं, वो क्या करें अंकल जी, जब शेर पिंजरे के भीतर होने तो उसका हाल कुत्ते भी खराब हो जाए, मालिक जिस तरह के उस तरह उसका चालना मजबूरी हो जाए, और यो हाल पवन का है, यो मेरे पिंजरे में फंस रहा है, जिस तरह मैं चाहूँगा उससे तरिया होगा, यो तो कीड़े की डाल रेंगदा होगा थारे कदमा में, रीना ने अपनाओ बीगा थम बस मेरे पर भरोसा रखो। रीना चुप हो जा तू बैठो, रो मना मेरी बेटी सब ठीक हो जाएगा, मरे अरे चल।
चाचा पवन केरा किसा के लागे छोरा अच्छे मजाक करो वो तो कंडीशन दर है और कंडीशन भी के है आंधी थोड़ी सत्ती मैं ब्याह करूंगा ना जीत बोरे दिन सत्ती ब्याह करेगा चाचा थाम बताओ थारा के फैसला है ना भाई मैं तेरी जिंदगी क्यों खराब करूंगा इसका अच्छा तो रजनी का फराटे के लिए ब्याह करने की टाल कर देंगे क्यों बाबू क्यों टाल कर दोगे चुप हो जा तने बेरा भी है उसने के सर धरी है यकीन तो होता को नहीं बाबू मैंने कि वो शर्त रख सके पर उसने के शर्त रखी मैंने बेरा भी तो पाटना चाहिए बेबे उसकी शर्त यह है एक आंधी छोरी है और वो नूका है उसे ती मैं ब्याह कर लूं कि वो ठीक से फिर भाई गलत के कहे वो उसकी अच्छाई तो देखो उसके पीछे कि वो एक आंधी छोरी का अपाइज लड़की का घर बसाने लग रहा है ये तो बेबे माया बलि का बकरा क्यों बनूं वो तो पुण का काम करे भाई तुम पाप के भागी क्यों बनो हो छोरी चुप हो जा तू और बाबू तने बेरा है उसने अपनी मदद करने में कोई कसर को निकाल ली है तुम फिर भी नू बोलो उसके बारे में ए मेरी बेबे तेरे सारी बात का बेरा को नहीं इसका पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ है सही बात कह भाई स्वार्थ तो दिखाने लग रहा है जो अपना हो ना वो अपना ही होएगा जो पराया होकर है नहीं वो पराया ही होवे मेरे बाबू ने तुझे पढ़ाया लिखाया आज इस काबिल बनाया और मेरे तन पढ़ रखी है और आज मेरी बारी आई तो तू पीछे हटने लग रहा सही बात है भाई देख बेबे सारी बात खटा हो जाएंगी ये पास नू नहीं कह देगी अक पराया भाई अपना होता नहीं तो तू समझदा नू फरज दे पीछे को नहीं हटाता देख छोरी के बावली बात करने लग रही है तेरे खातर इसने कुम घेर दू अच्छा बाबू उसने मेरे से पहले बताई थी कि मैं एक आंधी छोरी की मदद करना चाहूं अरे तो नाट गया वहां सी है तो बेबे नाटू नहीं तो क्या करूं तनु बता बाणे मेरे भी कहीं अरमान होंगे मेरी भी कोई जिंदगी होगी है तेरी जिंदगी तो बाबू ने बना दी ना पढ़ाई लिखा के मैं क्या करूं कित जाऊं मैं सिर्फ उससे ब्याह करूंगी और जे मेरे उससे ब्याह नहीं कराया ना तुमने तो मैं अपनी जान दे दूंगी बात खत्म और छोरे कौन दुनिया में बे मैं कौन है और किसी से भी ब्याह हाय और मर जाएगी है हाँ मर जाऊंगी मैं लेकिन मैं ब्याह करूंगी तो उससे करूंगी मैंने पता है कि वो दिल का कितना अच्छा है तुम और किसी के लिए बांध दोगे मैंने ठीक रख लेगा बेबे आज तो पतिया बात नहीं करेगी तमन्नू कहेगी ना आड़ बैठ जा पवनू बैठा पाओगा खड़ा हो तू अपनी बाण खातर जिंदगी कुर्बान कर लूंगा मैं ब्याह पितर मन की क्यों कहा तू है पेड़ा का लागेंगे बाण अक तोड़ के लिए आऊंगा देख ले चाचा किसी बात कर रहा है पागल होगी या पागल मैं पागल होगी बाबू मैंने कह दी को तो सब कुछ देखा जिन्नू कह रहा कि मैं पागल होगी मैं मान गया रे हां भर तो लीज ने कि बेबे कौन आज के कौन दिखाओगे अपनी बात एक बार बेबे बेबे प्लीज जान दे भाई मैं कर लूंगा ब्याह तोड़ पक्का पक्का बेबे हाथ जोड़ कोई बात ना मैंने माफ कर दे अपने भाई ने माफ को नहीं करेंगे एक बार आज के दिखा दे प्लीज मान गया ना भाई चल तो जिद्दी करके खड़ी हो जाएगी बाबा पवन तो मान गया आंधी छोरी के लिए ब्याह करने खातिर पर जिस तक प्यार करया था वादे करे थे वो छोरी का क्या होया फिर अरे ब्याह किया भरना तो उसकी एक मजबूरी थी लेकिन पवन एक साफ सुथरी छवि का आदमी था उसका मन में कोई भी छल कपट कौन था वो जिस छोरी तक प्यार करया करता ना उस तक सारी बात बताने खातर उसका घर ना गया सोनिया गणिये बड़ी उम्र ले रहे हो तन्ने याद कर रही थी तेरी माँ कित गई माँ आड़े हैं चल हाँ जी माँ माँ कौन बेटा क्या बात है आज माँ कहने को ना झुकिया कि मैं काम आ था फिर नो कौन समझ मान दी के बताऊं पवन जी क्या है और कुकर बताऊं करते शुरू करूं बेटा क्यों चिंतित हो रहा है आपने अगर दुख बताओ ना तो कम होया करे से बता के बात से माँ जी मेरी जबान तो कौन पाट दी मैं किस मुंह तक हूं ओहो मुंह तो याद आया अक्से बेटा वो मिठाई ले मीठा मुंह करवा इसका और के बेटा हमने तो सारा मिठाई बांट दी बगड़ मोहल्ला में रिश्तेदारी है ना भी बेरा लग गया आके सोनिया का ब्याह
पवन के लगा। के बात पवन जी, के बात? मैं भी दुनियादारी मान लू हूँ, मन सारा बेरा है, कोई ना कोई गहरी टेंशन है। आया जब भी देख लिया आपका चेहरा, बताओ क्या बात होगी। हाँ बेटा, असली बात सुन, वह बता दे तो तके मैं संग कैसी मान गया। मसोन ये अगली ब्याह कौन करूँ? क्या कहा है? किसी की जिंदगी खराब करना इतनी आसान समझा है तू? तन मेरा एक छोरी किसे भरोसा करके क्यों करा है? कि उसने पूरी दुनिया तेरा में दिखा है, इसलिए इसने भरोसा करा है तेरा गला और मन जता अपने यहाँ। और तने एक मिनट लागी नाटक नहीं। मेरी भी कोई मजबूरी है। इसी क्या मजबूरी होगी? अक्षय बेटा बता लेने दे पूरी बात इसने। हाँ बोल बेटा, क्या मजबूरी है इसी तेरी? एक आंधी छोरी है, मैं उससे इतनी ब्याह करूँ और यह कंडीशन मेरी बेबे अंदर ही है, नू बोली नहीं तो मैं मर जाएंगी। इब थाम बताओ, एक बन्नत सोनिया खड़ी थी, एक बन्नत मेरी बेबे खड़ी थी, मैं किस न चुनू? इब कल नहीं मर गई तो इसका क्या होगा? यह भी तुम्हारी बाढ़ है, जैसे तन्ना अपनी बाढ़ की सोच ली, मैं नहीं सोचूंगा अपनी बाढ़ की। भाई तो इसने कुछ ना कहा, आज तक मेरी नजरा में इसकी इज्जत और भी गणी बढ़ गई। इस यो मन है ना किसी और की परी ते को ना छोड़ता, एक मजबूर ती उसकी जिंदगी बनाने इसने अपने बारे में ना सोचा। और तुम गुस्से में है ना, इसकी बुराई मत देखो, इसके अंदर जाग कर देखो, इसने कितना नेक काम करया है। इसने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी बाण के बारे में सोचा है। अर भाई मन्नत तो और भी छोरा मिल जाएगा, और उस आंधी ने अपनानिया है ना, पवन जी सा छोरा को नहीं मिलेगा। सोनिया उसका तुमने माफ कर दिए, और थाम भी। बेटा हाथ ना जोड़े, शुरू में तुम्हारा भी गुस्सा उठा था, पर तने उस आंधी छोरी की बात बताई है ना, तुम्हारा आशीर्वाद तेरा गेल है, उसका गेल ब्याह कर बेटा, हम खुश हाँ कति। आ गए जी आप? हाँ आ गया। के बात आप इस शादी तक खुश कौन है? के किसी बात करो आप भी, खुश क्या तो नहीं ना जी, वो मैंने जा तक कह दिया। अब तो यह बात, उस दिन घर नहीं आए थे आप, तो आप ब्याह खातर गति साफ नाटो थे, अरे मेरे तो ब्याह कर लिया आपने, तो किमें ना किमें दाब ताप को ऊपर पड़ी होगी, तो भाई पूछना चाहूँ थी। किसी बात कर रही ना, कौन कह मेरे पर दाब पड़ी है? मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, जीवन साथी है तू मेरी, इतनी दुखी ना हो, जोड़ी तो भगवान बनाओ है, आख्या मासू ना लिया। यह बात सुनकर ना बहुत खुश हो गई मैं, मेरा बाबू बहुत घना दुखी हो रहा था मेरे ब्याह ने लेकर ना, अब उसके आंधी बेटी के लिया कौन ब्याह करेगा, और आप मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी आँखें की रोशनी बनकर है, अरे मैं आपकी आँखें तय इस पूरे संसार ने देखूंगी। तय ना नू ना करे, मेरे त्योर रुआओगी, तेरी ये संसार देखने की जो आँख से हुआ तो कोनी तेरे पाए, लेकिन जो दिल है ना वो बहुत अच्छा है तेरा, समझी? अटेंशन ना ले, जो बीत गया ना वो दोबारा बावड़े को नहीं आकर, और मैं तेरे खातर बड़ी बढ़िया हिस्सा बना लूँ। आप चाह लेकर आओगे? मैंने बता दो ना रसोई कित है, मैं बना लूँगी। देख बताओ था तेरा बाबू, अब थोड़े दिन पास तेने भी आइडिया आ जाएगा। हाँ। है अरे बतू नहीं नहीं है ठीक से, मान ले कि ठोकर ठाकर लाग जाएगी ढंग से, मान ले आइडिया आ जाए पास बना लेगी तू। है हाँ कोई बात को नहीं, एक दूसरा दुख सुख के साथी हूँ पति पत्नी, ठीक से। हाय सोनिया। हाँ माँ। किस तरह लेट रही है बेटी? बस माँ मैं लौट गई थी। हाँ बेटी, जब तक पवन गया है ना तेरी जिंदगी में, तो तू कि मैं सुननी सी रहने लग गई, और मेरी बेटी जिंदगी का नाम संघर्ष हो है, तन्ना जो मेरा दवादे करे थे ना, अग माँ मैं कुछ बनका दिखाऊंगी। बेटी तू आगे बढ़े और बनका देखा मैंने कि मैं
न्यू पार ना पड़ा मेरी बेटी। माँ क्या करूँ मैं, जब तक पवन मेरी जिंदगी तक गया है ना, मैंने यह जिंदगी कति सुननी लग गए माँ, मेरा कित जी को नहीं लगता माँ। बेटी तना मेरी कसम लग गस है, जो आज पीछे उसने याद करत है, और मेरी बेटी का सपना पुलिस बनन का था, तू पुलिस बनकर दिखावेगी, मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी, मेरी कसम खा कर आज पीछे तू पवन ने याद नहीं करेगी। हाँ माँ मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूंगी, और तू चाहती थी ना कि मैं पुलिस की वर्दी पहरूं। हाँ और माँ तू चिंता ना करे, आज के बाद मैं कदे पवन ने याद ना करूं, और तेरी बेटी ना तेना कामयाब होकर दिखावेगी, मैं पुलिस में जरूर लाग कर दिखाऊंगी माँ तने। ठीक से बेटी, मैंने यह उम्मीद से तेरे तक, बाकी मेरी लाडो नु सुनना पड़ा रखन त न कोई फायदा को नहीं, तेरी जिंदगी में कामयाब हो जा, तेरे पैरा पकड़ी होगी ना, उस वर्गे तक घने पवन मिल जाएंगे तने। हाँ माँ ठीक कह तू, मैं तने जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगी। आ गया आप? हाँ आ गया। आज आपके घर में पहली बार मेरे चरण पड़े, और आप नो लेट गए कि मैं कोई रिवाज भी होता होगा, मुंह दिखाई भी गाल नहीं होगा कुछ। तेरे मुंह दिखाई में मैं आ गया रे, और खेले होगी मैंने बेरा है, ये तुम को नहीं बोल दे, घूंट मार का आ रहे हो ना, या दारू बोल रहे? एक बात दिमाग में बिठा ले, तू दासी है मैं राजा, और दासी जगह की तो है पैरा में। फिर कैसी बात करो तुम, मैं तो हमेशा आपकी दासी बनकर रहना चाहूँ, लेकिन आज तुमने यो काम ठीक को नहीं करा कि तुम आज के दिन दारू पी का आए। इतनी जबान नहीं लड़ाया करे, आज समझाऊँ कल तो समझाऊंगी का सीधा मुँह पाओगा जूते काटे। पागल हो रे, कौन समझावे इन्हें कि एक लगाई की जिंदगी तो आदमी के पैरों में ही होया करें। राम राम अंकल जी। राम राम राम। वो एक छोटा काम आया था। फिर इतना डरा डरा क्यों बोल रहा है, बता क्या बात है? बात का था हमने बेरा को नहीं, ब्याह तो पहले के जिक्र आया था अपना वे पीछे। अरे मैं जबान का साचा हूँ, उड़े खड़ा हूँ, पर उन पैसे आगे तू के मांगे, पवन ते दूंगा मैं ते। हाँ बात तो आपकी भी ठीक है, पर पवन ने उरे लेनिया कौन था? तू था। फिर बिचौलिया कौन था? तू ये था। फिर अरे एक बात और सुनो, वो से मेरा रिश्तेदार है, उस तम आप पे देंदा रहूँगा, इब मेरी मड़ी ही मजबूरी है, यो 2,00,000 रुपये मांगा है, और इसने अडा रखी को सुती। कोई बात को ना, इब तो तू अपना कर्जा तार ले, पर आज जोड़ गई विनती से पवन ने पैसे पहुँचा दिए, मेरी बेटी कैसे है ये? मैं जबान का पक्का हूँ, आ लड़िया मत कोनी। कोई ना ले आऊँ सुमन। एक बात बता, ये तो 2,00,000 रुपये हैं, तेरा मांगू मैं 6,00,000, 4,00,000 कौन देगा? फिर एक तो राम तो बोल, और सिर पर चढ़ता क्यों आओ है, 4,00,000 मैंने खेत में दाब रखे हैं, वह भी दे दूंगा। तेरी बात जायज है, ये सट्टे खेल खेल के तना सारा काम अपना डिगा रखा। मन्ने ची भाई उड़ाए हूँ, ची आग लगाई हो साले के, तेरे तो देने लग रहा हूँ ना, आराम तो ले ले, घड़ी चूचे ना करे। ठीक है हाल, पूरे 2,00,000 से। ठीक है अंकल जी, चल लूँ, राम राम। ठीक से बेटा। बब्बा फराटा की यह क्या राजनीति थी, समझ में कोनी आई? अरे तेरा नो है समझ में आ जाएगी, तो फिर मेरा सुनाने का के फायदा? बब्बा मेरा पूछने का यो मतलब था, उन्हें 7,000 रुपये दबा रखे थे जो देखे तुम्हें ले गया था। अरे कित का खजाना दबाव था उड़ा, वो उड़ा ले जान दिए, वो मार के घेर दिया, और उसका दोरा जोरा पिए थे वह काट लिए। लोभ तो संदीप से दया कर आगा सुन के होया। रिश्तेदार रिश्तेदार बचा ले रिश्तेदार मैंने। अरे बचा तो लूंगा, फिर यो कौन सर, यो के नु कुकर के मर गया यो रिश्तेदार, इसकी मेरी आड़ तो तुम्हें में होगी, जो मन मारने की कोशिश कर रहा था हो गया उल्टा, जो मेरा हाथ मर गया तो रिश्तेदारी से मैं क्या कर सकूं हूं,
मैं फोन करके तो बुलाया हूं तने। मन ने फोन करके तेनू बुलाया है। तू अपनी बाण ने विधवा होने बचा सके है। विधवा होने बचा सकू हूं नु कर। देख पवन तनाछी दाऊ बेरा है। अगर मैं इसने छोड़ के बाज भी जाता तो सारा गांव ने बेरा है। अगर इसकी मेरी बनती को नहीं पुलिस के तेन कि सुराग टोके मैंने पकड़ लेंदी। और अगर मैं जेल में चल गया तो तेरी बाण विधवा है। यो बलिदान दे दे पवन। बलिदान देने कह रहा क्या मैं? एक लास्ट बलिदान मांगू हूँ। एक तो नरक दे दिया तने कुछ ब्याह करवा के मन चूप भी कौन करी। किस खातर? मेरी बाण खातर। क्योंकि मेरे चाचा ने मैं पढ़ाया लिखाया उसके एहसान थे मेरे पै हरी बूर उल्टा एक एहसान और कर लग रहे तू मन जेल में भेज दे है। पवन समझने की कोशिश कर। आखिरी होगा मैं गारंटी लूँ तेरे उस नरक ने। नरक है छह सौ रख है उस घर ने मैं संभालूंगा। मेरे ससुर ने बाप की तरह रखूंगा उड़े रहूंगा। एक बेटे की डाल सेवा करूंगा उनकी। ठीक से मेरी जिंदगी भी नरक से जा चले जा। हेलो हाँ जी मसूई गांव तो बोलूं जी। फोन किसने करया है यहां तक? पवन तू? सोनिया तू? हाँ पवन मैं। तू तो छोड़कर चला गया था फिर मैं अकेली क्या करती? पढ़े गई संघर्ष करया और पुलिस में लग गई पर तने यो के कर दिया। हाँ सोनिया मेरा हाथ तो मर गया फिर कोई बचन कर रहा सह के क्योंकि तू तो मेरी अपनी है मन बचा सके। पवन हम प्यार करया करते वो अपना बीत्या उड़कल था और ये मनाया वर्दी पैर रखी है। ये मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मेरे आगे तो एक मुजरिम है और मनाया वर्दी पैर त्यान है ना शपथ ली थी कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई तक करूँगी। ये मतरी कोई मदद ना कर सकती। मर्डर की सजा फांसी है और फैसला मैं को ना कर सकती। मैं तना कोर्ट में पेश कर दूंगी फैसला ही कोर्ट कराएगी। और चल जनाब एक एम्बुलेंस का प्रबंध करो लाश लेके जानी है पोस्टमार्टम थी। चल पवन देख ले। मैं तेरी कोई मदद ना कर सकती पवन। चल आ जा। बाबा पवन तो उसने जेल में भेज दिया। उसने एक वादा करया था कि तेरा परिवार की संभाल मैं करूंगा फिर करी उसने। अरे वो किसकी संभाल कर था? नुका अगर ना चोर चोरी छोड़ सका है लेकिन हेरा फेरी नहीं। वो ताश के 52 पत्ते नहीं होंगे उसने आखिरी पत्ता फेंक्या फिर अपनी आखिरी चाल चाल ली और उसने बनवा के सारे प्रॉपर्टी के कागज और जो भी जमीन जायदाद थी ना वो अपना नाम करवाना चाहो था। इब उसका सुसरा था अनपढ़ मानस आगे सुन के होया। रजनी ठीक बाबू कहाँ है? बाबू तो बाहर जा रहा पर तू घबरा क्या रही है ना भाभी? रजनी क्या बात है? बाबू भाई ने पुलिस लेगी पकड़ के। रजनी क्या बात हुई है बात तो बता। पुलिस क्या बतावा पिताजी मेरे भी यकीन को नहीं होता पर हकीकत से उसने एक आदमी का खून कर दिया। खून है? ना ना वे ऐसा कुछ ना कर सकते। वे इतने अच्छे इंसान है किसी की भी गेला उनका कोई बैर को नहीं तो वे किसी का खून क्यों कर कर सके। बाबू बता नहीं ना इनका गलत फहमी हुई होगी कोई। बाबी संभाल अपने आप ने यह बात सच है कोई गलत फहमी को नहीं है। हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा पिया ने। मेरे कर्म ही से क्यों मेरी अंधेरी जिंदगी में वो एक उजाला बन के आया था और तने वो भी मेरे से दूर कर दिया। इसे के मारे कर रखे थे मने अरे मेरे से सजा दे लेता। वो इतना अच्छा इंसान जिसने इस आंधी पर रहम खा के ब्याह करा
आज वो भी मेरे तो दूर कर दिया, मन नहीं ठा लेता भगवान। आज वो जेल की सलाका के पाछे पड़ा है, किन कर्मा की सजा देन लग रहा है भगवान, तू मन नहीं ठा लेता। भाभी संभाल अपने आप ने ठा लेता। भाभी अपने आप ने संभाल, सब ठीक हो जाएगा। बाबू जाके भाई ना छुड़ा के ले, कुछ भी कर, मन नहीं बेरा है। चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। ये बाबू क्यों होया ऐसा, के बुरे कर रखे थे उनका, तो किसी की गला दुश्मनी भी कोनी थी। रजनी मन ले चालो ना। बाबी चुप हो तू। बाबी बेटी संभाल अपना आपने, भगवान जिस तरह रखेगा उस तरह रहना पड़ेगा। पिताजी वो क्या करें, ऊपर आला एक रास्ता बंद करे है तो दूसरा खोल भी दे है। वो बेटा गया के बात होगी, मैं भेज दिया भगवान ने, मैं उसकी कमी पूरी तो को नहीं कर सकता, पर हाँ कोशिश पूरी पूरी करूँगा। मैं और रजनी उरे रहा करांगे। यूँ तो तेना अच्छा करा बेटा, थारा सिवा मारा सह भी कौन। बाबू बड़े शाने नू क्या करे, अच्छे कर्मा का फल अच्छा ही मिला करे, उसने तो इतना बड़ा बलिदान कर रखा था, सारी सच्चाई बता रखी थी मेरे तक, किसी और तो प्यार करा करता बाबू वो, अरिशान दी खातर मेरी जिंदगी खराब ना हो, उसने मेरे तक ब्याह करा, और आज उसने क्या की सजा मिलन लग रही है, क्या की सजा मिलन लग रही है बाबू। बाबू तू अंदर चल। पिताजी वो आपके साइन चाहिए थे। क्या के साइन के है यो? कुछ को नहीं अंकल जी, मेरा प्रमोशन होया ने, ऑफिसर ने बोले तेरे बाप के साइन करवा के लाइए। बाप दो तो किस जाऊँ, आप भी बाप ही हो, लो आप पे कर दो, और जो आपको फिर भी सको तो फट लो। बेटा मन के अंग्रेजी आओ है, इन दिमो होंदा एक आधा डाखड़ा देख भी लेंदा, और तेरे पर तो विश्वास सामने, तो अपना सब किमें छोड़ा हमारा खातर। फोन गया था अड़े तो एक लेडीज का। मारा करता फोन रजनी, एक तुम्हारे बिचारी आंधी है जी, और दूसरी रजनी। रजनी नाम ते फोन गया है। अच्छा रजनी। हाँ बाबू आ गया आप। हाँ बोलो बताओ। भी के बताऊँ आपते, मैं बताओ, डरन की जरूरत ना है। मेरे घर में एक कातिल रहे जो कि इस पूरे परिवार का भी गुनहगार है। तो बताओ नाम बताओ उसका। ए बेटी किसी बात कर रहा है तू, तेरा दिमाग तो ठीक से है? ये वो अपने आप बताओगा या मैं बताऊं? तेरा दिमाग तो ठीक आंसर है। बेसरम आदमी, इब्बी तो आंख मांग मिलाकर बात करे, इब्बी मेरे तो पूछा तू क्या बात होगी, जो तू फोन पर बात करा था नहीं भीतर, मैंने सारी सुन ली थी वा। चान जी कितने दिन लग गए, इतने दिन होली गांव में दिखता ही कौन है। अरे यार के बताऊं तने, नू लाले एक बहुत बड़ा गच्छे की ताक में हूँ, बस सांस तड़का बग गया है, काम बड़ नाला है। अच्छा हाँ, एक बहुत बड़ी साजिश करके ना कुण भाई फंसा रखा है, बस एक साइन की दूर आप ही करोड़पति, दोनों जने जी से लेवांगे जिंदगी। ये साजिश करी सारी पूछेगी के बता देना, और बहुत लंबी कहानी है, मिल के बताऊंगा, बाकी मोटा मोटी दोनों समझ ले, जिसका प्यार करया करता उस तक ब्याह करया, ब्याह करके उससे का भाई पर अपील ले लिए 2 लाख, अरे उससे वो ही जेल में भेज दिया, उसका बाप पर करवाने प्रॉपर्टी कागज पर साइन, बस तो आ जा, मेरा जी नहीं लगता कती भी। अरे चांद तेरे तो दूर रह गए तो मैं भी खुश को नहीं, पर के करूँ, रुपया भी तो जरूरी है जीन खातर। तो इसकी यह सच्चाई है, मन अपने भाई पर भी यकीन को नहीं करे इस बदल, मन सोचा कि यो भी मेरे गला लोयल है जिस तरह मैं इस गला हूँ, लेकिन इसने तो तना जितना यो घर बर्बाद करना था ना कर दिया, लेकिन ये बना करण दू,
रजनी इधर आ। ये वो ही नहीं और बता दे त्रिवा दूसरी चाल के है सच्चाई आड़े बता देगा अगुड़ थाने में पिट के बतावेगा। ना जी मैं तो आड़े बता दूंगा। मेरी सबसे पहली चाल मैंने रजनी थी मेरे प्यार के जाल में फंसाया सिर्फ पीछे खातर। फिर मैंने पवन का ब्याह कुंडू की छोरी करवाया वो भी पीछे खातर। मैंने डिंपल का मर्डर खुद न कराया था लेकिन उसका इल्ज़ाम पवन पर लगवाया वो भी पीछे खातर क्योंकि मैं उर आके इनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहूँ था। जब तो तू बड़ी बड़ी बात मारा करता अगरी ना बेबे मैं भाई हूँ तेरा इसे भाई होया करे खुद की बाण का घर उजाड़ दिया तने शर्म आनी चाहिए तने। मन माफ कर दे बेबे। माफी का काम कौन ही कर रहा क्या ले जाओ जी इसने इसने माफ कर दो तेरे तो सिकल भी देखने जोगी को नहीं रही मैं मेरे तो प्यार करना टकरा तने और मैंने तेरे ऊपर मैंने अपने भाई पे भी यकीन को नहीं करा मेरे भाई ने तेरी सच्चाई दिखाने की कोशिश करी मेरे ते मैंने उम्मीद को नहीं तेरे ते इतनी कि तू इतना माड़ा मेरी गेल कर देगा ले जाओ जिसने आना हमने इसकी जरूरत को नहीं है। डर जा रजनी चुप हो जा और अंकले पवन ने जो बिना बात की सजा मिली है ना जो इब तक उसने जेल में टाइम काटा है वो तो मैं उल्टा ला नहीं सकती। हाँ पर इतनी जिम्मेदारी मेरी है कि वो भाई इज्जत बरिया होगा इस चीज़ की मैं गवाह हूँ और इसने इसने इसके कारनामे की सजा जरूर मिल लेगी। और चल आ तू मेरी गेलिया रुपया तो तने मैं देऊंगी आ जाइए चल। बाबू मैंने माफ कर दे मेरी जिद के वजह से ये पूरा घर बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं रो ना जो होना था वो हो गया देख अरे तेरा भाई भी आ जाएगा बस वो सब के मैं ठीक कर देगा सुनो ना अपने 16 दिन आगे रो ना रजनी आ जा भीतर ईब तेरा ही बात समझ में अकवा आंधी छोरी क्या तरुक के मार दे अंड थी हाय मेरे पति का बलिदान हाय मेरे पति का बलिदान क्योंकि उसका पति जेल में चला गया था और इस चीज का उसका दुख था। वो पंडित लक्ष्मी चंद ने कही है ना घड़ा पाप का भर रहा सा यो हो रहा सा फुटन न अर्ध्य बीच चांदना कर ले अमृत रस घुटन जिब संसार में है ना पाप अत्य ज्यादा बढ़ जा है तो भगवान ना आके न्याय करना पड़ा है और यो न्याय होया फराटा तो जेल में चला गया और पवन उल्टा छुटके आ गया उस आंधी छोरी का घर दोबारा बस गया अपनी कहानी खत्म होगी। ईब खड़ा हो ले बाजरा का चूना रहा है थोड़े मंडे सेक ले खा लेंगे जाडम बब्बा ईब सेक की ले आया और टिंडी की मांग की ले रहा हूँ और चने का साग मतलब क्या स्वाद सा आ जाएगा खांदी रहे। ओहो संदीप जब ते आप हरिद्वार पूछ जागे ना इतना जमा गा खड़ा देगा। राम राम दोस्तों आज जो तुमने वीडियो देखी है या थारे समझ में आ भी गई होगी मेरे गिरता गिरता मानस गिर जा फिर कितने ठकाना चाहिए पीछे की भूख हमारा समाज में ये तो है। देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ऊपर ले शोधाचारी के निचर लती भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन न्याय होगा कदने कदे फंस जाओगे। हम तो इस टर्म यो दिखाना चाहते ईमानदारी से जियो और त्याग करो जिस तरह मन ने कराया इस आंधी का ब्याह करके ना और थारा साथ रहा तो इस नर दीवार नू आके ले आवेंगे और लाइक और कमेंट इतने अच्छे करो हो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा जय हरियाणवी।